डांस के बिना बॉलीवुड कैसा होता ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है डांस पर बनी अच्छी बॉलीवुड फिल्मों के नाम सोचना। और फिर आते हैं डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। एबीसीडी और एबीसीडी 2 जैसी फिल्मों से रेमो ने प्रूव किया कि सिर्फ डांस को ही कोर एलिमेंट रख के कितनी जबरदस्त बॉलीवुड फिल्में बन सकती हैं। और स्ट्रीट डांसर 3D से रेमो ने डांस फिल्मों का स्केल और लेवल और भी ऊपर कर दिया है। वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा, नोरा फतेही और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डांस सर्कल से निकले ढेर सारे नामों से भरी इस फिल्म में डांस का जलवा तो बहुत जबरदस्त है। कहानी यह है कि लंदन में रहने वाले NRI सहज यानी वरुण धवन का एक डांस ग्रुप है स्ट्रीट डांसर, जो उसे अपने भाई से मिला है। सहज का भाई यानी पुनीत पाठक ये डांस ग्रुप चलाता था, मगर एक बहुत बड़े डांस इवेंट ग्राउंड जीरो में डांस करते हुए उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। स्ट्रीट डांसर में मोस्टली NRI डांसर्स हैं। इस ग्रुप से कांटे की टक्कर खाने वाला एक और ग्रुप है रूल ब्रेकर्स। इस ग्रुप की लीड है इनायत यानी श्रद्धा कपूर। सहज की गर्लफ्रेंड मिया यानी नोरा फतेही इन सब में सबसे खतरनाक डांसर है, लेकिन वो एक ब्रिटिश डांस ग्रुप की मेंबर है जिसका नाम है द रॉयल्स। ये ग्रुप डांस के मामले में कतई जहर है। वरुण और श्रद्धा की डांस गैंग्स अक्सर एक अड्डे पर जाती हैं और इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच देखते देखते अक्सर भिड़ते रहते हैं। ये अड्डा है अन्ना यानी प्रभुदेवा का रेस्टोरेंट। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनायत को अन्ना के रेस्टोरेंट से पता चलता है ऐसे लोगों के बारे में जो अलग अलग एशियन कंट्रीज से काम धंधे के लालच में आते हैं और धोखा खाकर वहीं फंस जाते हैं। उसके बाद सड़कों पर जिंदगी काटते हैं और पड़े रहते हैं। अब इनायत के लिए डांस का मोटिव बदल जाता है। बाकी सबकी भी लाइफ घुमा फिरा कर एक ही जगह पहुंचती है, डांस के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन ग्राउंड जीरो पर। अब जैसा कि होता है, हर स्टोरी की अपनी पॉलिटिक्स होती है और अपना ड्रामा। इस बार रेमो डिसूजा डांस में बहुत सारा नया माल लेकर आए हैं। अलग अलग डांस फॉर्म्स इस बार ऑडियंस की आंखें चौंकाने के लिए तैयार हैं, जो एनिमेशन और VFX यानी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ स्क्रीन पर बहुत शानदार लगती हैं। कोई भी फिल्म उतनी ही अच्छी होती है जितने ज़्यादा उसमें रोंगटे खड़े करने वाले मोमेंट होते हैं। तो स्ट्रीट डांसर 3D में ऐसे कई मोमेंट हैं, जैसे दुआ करो गाने में सहज और उसके भाई का डांस, नोरा फतेही का एंट्री सीन और जब वरुण के अंदर का इंसान जागता है, उसके बाद जब प्रभुदेवा फाइनली डांस करने पर आते हैं। फिल्म में ढेर सारे गाने हैं, लेकिन हर गाना अपने आप में एक पूरी परफॉर्मेंस है। प्रभुदेवा का आइकॉनिक गाना मुकाबला, बेजुबा का नया वर्जन, मिले सुर मेरा तुम्हारा, इलीगल वेपन 2.0 और दुआ करो एक से बढ़कर एक जबरदस्त गाने, और हर एक गाने पर क्या गदर डांस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो वरुण धवन परफेक्ट एंटरटेनर हैं और स्ट्रीट डांसर 3D में वो फुल फॉर्म में है। श्रद्धा कपूर अपने रोल को कस के पकड़ के रखती हैं और वो जितनी कातिलाना लग रही हैं उतना ही जबरदस्त डांस भी कर रही हैं। हॉटनेस की डेफिनेशन डांस के लिए मशहूर नोरा फतेही को लंबे रोल में देखना अच्छा था। प्रभुदेवा सरप्राइज पैकेज हैं, डांस तो डांस, उनकी कॉमिक टाइमिंग और इंपॉर्टेंट सीन्स में एक्टिंग काफ़ी जोरदार है। अपार शक्ति खुराना एक बार फिर से अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करते हैं। धर्मेश, सलमान, पुनीत और सारे डांसर्स अपने रोल को सूट करते हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, डांस के मामले में वरुण धवन श्रद्धा और नोरा के आगे थोड़े से फीके लगे। फिल्म में बहुत कुछ लॉजिक से हटके है, लेकिन स्ट्रीट डांसर 3D ऐसी फिल्म भी नहीं है जिसमें आप लॉजिक ढूंढने जाएं। ये डांस के पैशन से ड्राइव होने वाली फिल्म है और इस मामले में फिल्म बहुत इंप्रेसिव है। एंटरटेनमेंट के लिए और डांस के फैंडम के लिए स्ट्रीट डांसर 3D जरूर देखी जा सकती है। मेरी तरफ से स्ट्रीट डांसर 3D को 3.5 स्टार्स।